पश्चिमी बंगाल में लाइन ऑर्डर के दिखाई नहीं देता है। गुंडे सरेआम भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस देखती रहती है। निर्धारित कार्यक्रम होने के बाद भी पुलिस को व्यवस्था करना चाहिए, पुलिस ने बिल्कुल व्यवस्था नहीं की। और मैं समझता हूँ कि बंगाल अपनी पहचान खो रहा है टीएमसी की गुंडागिरी के कारण, टीएमसी की हिंसा की राजनीति के कारण। और इसलिए जनता को विचार करना है, जनता इस पर प्रमाण पत्र देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में कि टीएमसी की सरकार किस प्रकार यहाँ पर लोगों की सुरक्षा कर पा रही है। 19 तारीख अमित शाह जी आएंगे, क्या बंगाल में कोई जनसभा होगा क्या? नहीं, अभी कोविड में जनसभा नहीं करते हैं वो, पर आएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आज यहाँ किस लिए? सामान्य शिष्टाचार बैठक। अच्छा अच्छा, हमारा पूरे प्रदेश में दौरा चल रहा है तो इसलिए। तीनों उससे बोल रहा था कि शांतनु से बीजेपी का झगड़ा हुआ, वो सभा में नहीं जा रही है, इसके बारे में आज उसके बाद आए आप? ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है और इसलिए मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का मैं जवाब नहीं देता। शांतनु ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, और वो मुझसे मिलते हैं हमेशा। अभी 8 दिन पहले मिले, गृह मंत्री से मिल के आए 15 दिन पहले, और इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछना और इस प्रकार की बात करना ये टीएमसी के द्वारा षड्यंत्र है। ये नागरिकत्व के बारे में बड़ा कोई खुलसा होगा, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मुझे लगता है कि CA लागू हो जाएगा जनवरी लास्ट तक या फरवरी। अमित शाह जी ने ये कोई घोषणा क्या सूचना देगा इधर? पहले ही बोल चुके हो कि हम नागरिकता देंगे। जनवरी में भी हो सकता है क्या? जनवरी में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। সমস্ত খবরের তৎক্ষণাৎ আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে বেল বাটনটি ক্লিক করুন। আরো খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।